उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। कमलनाथ के विवादित बयान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपने निशाने पर ले लिया है। देखें ये खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के विवादित बयान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हमलावर रुख बरकरार है। एक बार फिर सीएम शिवराज ने इसे लेकर कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इमरती देवी पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग कमलनाथ से जवाब मांग रहा है, देश चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा है, पर मैं सोनिया गांधी से जवाब मांग रहा हूं। वे या कमलनाथ पर कार्रवाई करें या मान लिया जाए कि जो कहा सही कहा। अब चुनाव आयोग कमलनाथ जी से जवाब मांग रहा है, देश चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा है, लेकिन मैंने कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वो भी कमलनाथ जी से जवाब मांगे और जो अमर्यादित टिप्पणी उनने की है उसके संबंध में, वो एक मां बहन और बेटी होने के नाते ऐसे अमर्यादित नेता के खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने ये भी लिखा था कि अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो ये माना जाएगा कि उस अमर्यादित बयान से वो सहमत हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं कांग्रेस की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से फ्री आग्रह करता हूं कि मेरे पत्र का जवाब दें, या तो कमलनाथ जी के खिलाफ कार्रवाई करें या फिर ये कहें कि उन्होंने जो कहा था सही था। तो वहीं प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि कमलनाथ को सजा मिलनी जरूरी है ताकि समाज में एक स्पष्ट संदेश जाए। देखिए, लगातार जिस तरीके से कमलनाथ जी अपनी बदजुबानी कर रहे थे उसको देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और साथ में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बहुत गंभीरता दिखाते हुए शब्द को अनुचित माना है। और 48 घंटे का समय जो कमलनाथ जी को दिया है, तो अब कमलनाथ जी के पास 48 घंटे का समय है, अब तो शायद उसमें से कुछ 30-35 घंटे ही बचे, उनको अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि इन एजेंसियों के माध्यम से निश्चित रूप से कमलनाथ जी सजा के भागीदार, सजा के पात्र बनेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी ने केवल महिलाओं का अपमान नहीं किया, एक दलित महिला का, एक मंत्री का भी साथ में अपमान किया है। और ये व्यवस्था में यदि उनको सजा होगी तो ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए सजा नहीं होगी, एक राजनीतिक व्यवस्था के नाते सबको सुधार के इस बात को रखना चाहिए, ये जानकारी जनता में जाएगी। कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के बयान ने बीजेपी के हाथ बड़ा मुद्दा थमा दिया है, तो वहीं कांग्रेस फिलहाल इसे लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।